हेलो दोस्तों, मैं हूं ऋषिकेश और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉप। और आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच खेली जा रही T20 सीरीज के तीसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले की, जो खेला जाएगा मैनचेस्टर के द ओल्ड ट्रैफर्ड स्टेडियम के अंदर 1 सितंबर को रात के 10:30 बजे से। और इस मुकाबले का लाइव टेलीकास्ट होने वाला है Sony 6 के ऊपर। और आप इस मुकाबले की फैंटेसी टीम बना सकते हो माई टीम 11 के ऊपर, जो कि इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट फैंटेसी प्लेटफॉर्म है। इसके ऊपर काफी सारे पैसे कमा सकते हो और सबसे मेन बात, आप सिर्फ 6 रुपए इन्वेस्ट कर पाओगे। जी हाँ, यहाँ पे आप 6 रुपए लगा के भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और उससे मेन बात यह है कि आपको 100 रुपए फ्री मिल रहे हैं। जी हाँ, आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ऐप डाउनलोड करनी है और आई है वो रेफर कोड के अंदर आपको ऑप्शन होगा, वहां पे आपको स्पोर्ट्स कॉप डालना है। इससे आपको 100 रुपए फ्री मिल जाएंगे, जिससे आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर पाओगे। आपको पैन कार्ड वेरीफाई होती है 100 रुपए मिल जाएंगे। तो काफी जबरदस्त ऑफर मैं आपको दे रहा हूं। डाउनलोड करो MyTeam11 ऐप को और स्पोर्ट्स कॉप डालना बिल्कुल भी मत भूलना। और आप जल्दी मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, वो काफी जरूरी स्टेप है। आपको मैं वहां पे अपडेट तो फैंटेसी की टॉस के बाद जरूर से आपको काफी हेल्प होगी टेलीग्राम के अंदर। आपको सिर्फ सर्च करना है द स्पोर्ट्स कॉप और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लेना है। अगर मैं बात करता हूँ पिच रिपोर्ट के बारे में, तो काफी अच्छा बैटिंग ट्रैक है। पिछले मुकाबले हमको पता लगा था एक अच्छा बैटिंग ट्रैक पर स्पिनर्स को हेल्प भी मिलता है। यहाँ पे टीम में जो भी टॉस जीते पहले बॉलिंग ही करना चाहिए इस ट्रैक के ऊपर। अगर मैं बात करता हूँ वेदर रिपोर्ट के बारे में, वेदर की कोई दिक्कत नहीं इस मुकाबले के, डे नाइट मुकाबला होने वाला है और बारिश बिल्कुल भी नहीं आएगी इस मुकाबले में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की टीम के बारे में। पाकिस्तान की टीम पिछला मुकाबला खराब कप्तानी और खराब गेंदबाजी की वजह से हारा था। टीम की बैटिंग काफी जबरदस्त खेली पर टीम की बॉलिंग और कप्तानी कुछ खास कर नहीं पाए। शादाब खान ने एक टाइम टॉम बेंटन को जॉनी बेस्ट लगातार आउट कर दिया था, फिर ओइन मॉर्गन को भी ऑलमोस्ट आउट था, अंपायर्स कॉल लग गया था, वो काफी डोमिनेट कर रहे थे, पर बाबर आजम ने उसमें शादाब खान को अटैक से निकाल दिया। उस टाइम शादाब को कंटिन्यू करना चाहिए था, वो काफी डोमिनेट कर रहे थे, पर उसके अलावा कोई गेंदबाज अच्छी बॉलिंग कर नहीं पाया। शाहीन अफरीदी काफी ऑर्डिनरी लगे, ना उनको अच्छी लाइन थी ना लेंथ थी, उनको काफी चौके छक्के पड़े, तो बॉलर को अच्छी बॉलिंग कर नहीं पाए। और मेन बात है बैटिंग बहुत अच्छा खेली पिछले मुकाबले में। कप्तान बाबर आजम ने काफी अच्छी हाफ सेंचुरी मारी, बताया कि क्यों वो T20 के नंबर 1 प्लेयर हैं। उसके अलावा मैं बात करता हूं मोहम्मद हफीज ने बहुत ही कमाल खेली और वो पाकिस्तान से दूसरे प्लेयर बने जिन्होंने T20 इंटरनेशनल में 2000 रन बनाए। तो वापस बाबर आजम और हफीज अच्छी बैटिंग करना चाहेंगे इस टीम के लिए। फखर जमान ने भी अच्छी शुरुआत करी थी, वो बड़ी पर नहीं खेल पर फिर भी फखर जमान ने काफी अच्छी बैटिंग करी पिछले मुकाबले के अंदर। अगर मैं बात करता हूं इस मैच की लाइनअप के बारे में, तो मोहम्मद आमिर इंजर्ड है, वो मुकाबला नहीं खेलने वाले हैं। मोहम्मद आमिर को हैमस्ट्रिंग इंजरी, जरूर से वो मिस करेंगे मुकाबला। और रूमर्स ये भी होने वाले हैं कि हैदर अली को इस बार डेब्यू मिल सकता है। हैदर अली इस बार इफ्तिकर अहमद जगह पे खेल से मिडल ऑर्डर में, जरूर से बड़ी बात है। हैदर अली काफी अच्छे लूंगा, उनको डेब्यू मिलेगा, जरूर से अच्छी बात होगी पाकिस्तान की टीम के लिए। तो अगर पाकिस्तान एक्सपेक्टेड 11 के बारे में बात करता हूं, तो ओपन करेंगे बाबर आजम और फखर जमान, नंबर 3 में मोहम्मद हफीज, नंबर 4 पे हैदर अली, नंबर 5 पे शोएब मलिक, नंबर 6 के ऊपर आपके आते मोहम्मद रिजवान, नंबर 7 पे शादाब खान, इमाद वसीम, हारिस रौफ, वहाब रियाज और शाहीन अफरीदी। तो ये टीम होती पाकिस्तान की और पाकिस्तान की टीम जरूर से जितने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। अब मैं बात करता हूं इंग्लैंड की टीम के बारे में, तो इंग्लैंड की बैटिंग ने वापस से प्रूफ कर दिया कि क्यों वो वाइट बॉल क्रिकेट की नंबर 1 बैटिंग लाइनअप है। जिस तरह से बैटिंग करी वो काफी कमाल था पिछले मुकाबले के अंदर। ओइन मॉर्गन ने एक और कमाल की हाफ सेंचुरी हमारी टीम के लिए। ओइन मॉर्गन T20 बहुत ही कमाल फॉर्म में, जरूर से वो वापस से फॉर्म को कंटिन्यू कर चाहे। उसके अलावा उन्हें कप्तानी भी काफी अच्छी थी। डेविड मलान ने बहुत ही प्यारी हाफ सेंचुरी मारी, कोई उनका नाम नहीं लेता, पर नंबर 3 पे खेलते मलान की काफी सेंसिबल पारी थी। स्टार्टिंग में स्लो खेला, एंड में काफी फास्ट खेला। वापस से मलान भी एक काफी बड़े प्लेयर है इस टीम के लिए। जॉनी बेस्टो की बैटिंग भी काफी अच्छी थी, 44 ऑड रन बनाए इस मुकाबले के अंदर, वो और बड़ी पारी खेलना चाहेंगे। और टॉम बेंटन ने भी बहुत ही कमाल की ओपनिंग करी इस टीम में। वापस इस टीम के पास एक काफी स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप होने वाला है। बॉलिंग कुछ खास कर नहीं पाए, आदिल रशीद थोड़ा सा फ्लॉप हो गए। आदिल रशीद ने काफी कमाल की बॉलिंग करी, पर फिर भी इंग्लैंड के पास एक काफी स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है और ये टीम मुकाबला जीतने की पूरी पूरी कोशिश करेगा। इस मुकाबले के डेविड विलियर्स वापस टीम
टीम आ सकते हैं, विली काफी शानदार प्लेयर, जरूर से उनको मौका मिल पाएगा इस बार बॉलिंग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो इंग्लैंड की टीम के लिए ओपन कर सकते हैं टॉम बेंटन और जॉनी बेस्टो, नंबर 3 पे डेविड मलान, नंबर 4 पे ओइन मॉर्गन, वो 5 पे सैम बिलिंग्स, नंबर 6 पे मोइन अली, फिर लुइस ग्रेगरी, डेविड विली, टॉम करन, क्रिस जॉर्डन और आदिल रशीद। तो ये टीम होती है इंग्लैंड की। आप बताओ मुझे कमेंट में कौन जीतने वाला है, वो टीम होगी इंग्लैंड या वो टीम होगी पाकिस्तान, आप बताओ मुझे कमेंट करके। और इस मुकाबले की फैंटेसी टीम्स आने वाली है कुछ स्क्रीन के ऊपर। अगर मैं बात करूं तो मेरे वरिट के बैंड तो वापस से वही बात होने वाली है, दोनों टीमें काफी स्ट्रॉन्ग लगती है बैटिंग करने, इस वजह से जो भी टीम पहले चेस करेगी वो ये मुकाबला जीतेगी। टॉस बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस मुकाबले में, चेस करने वाली टीम का एडवांटेज रहेगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद लगे तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को इस तरह की वीडियोस देखने के लिए। मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, याद रखिएगा स्पोर्ट्स नहीं तो कुछ नहीं।